खा लिए हैं मछली को पहले उड़ाए, और यसीन जी तो ऐसे खा रहे हैं भैया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इनको, मतलब मछली ही दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया। अरे मछली अमेजिंग। इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में फिश फ्राई, अंडा करी, चावल और तंदूरी लगी हुई। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है, फिश फ्राई, अंडा करी, चावल और तंदूरी खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पौन इलाहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर फिश फ्राई के साथ में लगे हुए एक करी और तंदूरी रोटी चावल। तो आज हमारा फिश फ्राई, एक करी, तंदूरी रोटी चावल ईटिंग चैलेंज है, और इस चैलेंज में दो चैलेंजर बैठ चुके हैं, शंकर जी और मोहम्मद असीद जी, और दोनों ही तगड़े चैलेंजर हैं। देखते हैं दोनों तगड़े चैलेंजरों में चार तंदूरी रोटी, फिश फ्राई और अंडा करी के साथ चावल कौन फिनिश करता है पहले, और कौन जो है 2100 इनाम की राशि लेकर के जाता है। और शंकर जी तो पहले ही मछली को दिखा रहे हैं, भैया फुल फिश है, मतलब कोई इसमें गोलमाल नहीं है। तो देखते हैं दोनों चैलेंजरों में फर्स्ट कौन आता है, कौन 2100 की राशि लेकर के जाता है, कौन सिर्फ फिश फ्राई, अंडा करी और तंदूरी रोटी चावल का आनंद लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में दोनों महारथी पूरी तरह से कमर कस के बैठ चुके हैं। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके 2100 रुपए का नगद पुरस्कार कौन लेकर जाता है। देर न करते हुए टाइमर को चालू कर दीजिए। देखो, और यहाँ पर टाइमर जैसे ही चालू हुआ पूरी तरह से दोनों लोग एकदम चालू मछली को उठा लिए हैं। मछली को पहले उड़ाए, और यसीन जी तो ऐसे खा रहे हैं भैया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इनको, मतलब मछली ही दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया। अरे मछली जो साहब आए, देखते हैं उस साहब को कितना आगे ले जाते हैं और कितने समय में इस मछली को कंप्लीट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी खुश है। और ये मछली यसीन जी मछली आराम से खाते हैं, उसके पहले जो है तंदूरी रोटी एक करी का आनंद लेना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। और दोनों लोग जो फुर्ती दिखा रहे हैं, जो साहस दिखा रहे हैं, बहुत गजब का फुर्ती और साहस लेकर चल रहे हैं। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं आज। रूपचंद से दोनों लोग पूरी तरह से छेड़खानी करना चालू कर दिए हैं, और रूपचंद से जो यारी करेगा वही 2100 का इनाम लेकर जाएगा, और मछली फिनिश कर लेंगे। तो हमको लग रहा है तंदूरी रोटी चावल फिनिश करने में कोई समय नहीं लगेगा। बहुत गजब। और दोनों लोग जो अपना टेक्निक लगाए हैं, बहुत गजब की टेक्निक लगाए भैया, आराम से देखिएगा, हड्डी से कबड्डी मत खेलिएगा, क्योंकि ये जो हड्डियां है बहुत पतली पतली है। हड्डी नहीं है इसमें, कांटा है। हाँ, वो मार है, जो घुस जाता है तो कर देता है यार पार है। तो मतलब ये मछली का जो कांटा है वही मछली की हड्डी है। तो भैया अगर दीजिएगा संकोच करेंगे तो आप जो कांटा है वो आर पार हो जाएगा और फिर बहुत दिक्कत होगी। जब कांटा लग जाता है तो अच्छे अच्छे जो है कांटे के अंदर समेट उठते हैं, और अच्छे अच्छे चैलेंजरों का घाटा भी लग जाता है, उसके आगे जा नहीं पाते हैं, चाहे मोहम्मद असीन जी हो या शंकर जी। और दोनों चैलेंजरों को सूझबूझ के साथ बहुत सावधानी के साथ इस चैलेंज में एक्टिविटी दिखाना होगा। इस समय मोहम्मद यसीन पूरी तरह से पर्दा खोल दिए हैं रूपचंद मछली का, और बहुत ही गजब तरीके से मोहम्मद यसीन अपने आप को एकदम मंजिल की ओर धकेलना चालू कर दिए हैं। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं। कह रहे हैं बोल बोल के हम खाएंगे, अपने हिसाब से खाएंगे, अपने अंदाज में खाएंगे, और बोलने पे ध्यान देंगे तो भैया चैलेंज में जीत नहीं पाएंगे, जीतने के लिए और पूरी तरह से एकदम डकना पकना उखाड़ रहे हैं इस मछली का, और बहुत ही गजब तरीके से इस मछली को अंजाम दे रहे हैं। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं मोहम्मद यसीन और क्या कमाल करते हैं शंकर। दोनों लोग पूरी तरह से मंजिल की ओर भाग रहे हैं। तो कमाल नहीं चलेगा भैया, और इतने लजीज भोजन देख करके किस किस के मुंह में पानी आ रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या मेरे मुंह में पानी आ रहा है? नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं वो तो जरूर कमेंट करेंगे, लेकिन ये दिखाई भी दे रहा है कि इसके मुंह में पानी आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा टाइमर है 2:27 के ऊपर जा चुका है, और जो भी खाने के शौकीन होते हैं अगर खाना थोड़ा टेस्टी दिखता है तो ऑटोमेटिक मुंह में पानी आ ही जाता है। हाँ, अपनी मर्जी कोशिश करें, चाहे लालच बहुत बढ़िया, चाहे जो है स्वाद बस बहुत बढ़िया है। और दोनों ही चैलेंजर और शंकर जी तो बिना पलटे ही दोनों तरफ की मछली के जो है माल निकाल रहे हैं, और यसीन जी मछली को दूसरी तरफ से पलट लिए हैं फटाफट। दोनों ही चैलेंजर मछली उड़ाते हैं, उसके बाद जो है तंदूरी रोटी चावल पे आते हैं, क्योंकि मछली उड़ा देंगे तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, कांटे वाला पीस रहने दीजिए। हाँ, कांटे वाला मत खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लोगों के लिए वही टर्म कंडीशन है। तो यहाँ पर जो काफी ज्यादा कांटे होते हैं, मोहम्मद यसीन अपनी टेक्निक लगाए हैं, बहुत बारीकी से बहुत ही गजब तरीके से मछली को खा रहे हैं, और वहीं पर शंकर पूरी तरह से मछली को एकदम उखाड़ दे रहे हैं। जितना भी माल लगा था पूरी तरह से दे रहे हैं, बिल्कुल चीर हरण कर दे रहे हैं मछली। हाँ, और यहाँ पर केवल मछली का कंकाल बचा हुआ है, उसको पूरी तरह से हाथ में लेकर घुमा रहे हैं। मुंडी में तो कुछ अगर है तो निकाल लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत गजब। और यहाँ पर मोहम्मद यसीन और शंकर लगभग लगभग दोनों लोग जो
हौसला दिखाए हैं बहुत गजब का, लेकिन शंकर इस समय सबसे पहले मछली को रख दिए हैं, और जबकि मोहम्मद यासीन अभी भी मछली में घूम रहे हैं, और अब आ चुके हैं तंदूरी रोटी में। बारीक वाला काटा रख दीजिए, बारीक वाला, इसमें बारीक बारीक काटे। और शंकर इस समय तंदूरी को एकदम पूरी तरह से अंगूरी बनाना चालू कर दिए हैं, और टुकड़े टुकड़े में विभाजित करना चालू कर दिए हैं। जो कांटे झरे होंगे उस कांटों को देख करके खाइएगा, नहीं तो भैया कांटा झरा तो घाटा झरा है। हाँ, यहाँ पर अगर कांटा लगा तो समझ के लिए बहुत अच्छा घाटा लग जाएगा, क्योंकि कांटा बहुत देर तक अर्जाए रहेगा। 8 सेकंड हुआ है, हमको लग रहा है 10 मिनट के अंदर ही इन लोगों के प्लेट बिल्कुल खाली हो जाएगी। बहुत गजब। और जो चैलेंजर 10 मिनट के अंदर विन करेगा उसको जो है 400 का बोनस दिया जाएगा, मतलब 2500 का इनाम दिया जाएगा। शंकर ने इशारा कर दिया है कि ग्रेवी की थोड़ी सी आवश्यकता पड़ सकती है। कोई दिक्कत नहीं, ग्रेवी मिल जाएगी, ग्रेवी मिल जाएगी भैया, आप आराम से खाते रहिए एक कटोरी। और यहाँ पर मोहम्मद यासीन अभी भी मछली से खेल रहे हैं और सोच रहे हैं जब तक पूरी तरह से मछली को हम चीर हरण करके हटा नहीं देंगे तब तक हम थाली से उसको बाहर नहीं करेंगे। यासीन जी ऐसे चैलेंजर है कि इतनी बारीकी से खाते हैं कि एक पॉइंट भी ना छूटे, मतलब उसको बिल्कुल सफाई से बिल्कुल उसके साथ साथ सोचते हैं बिल्कुल खत्म करें, लेकिन रेट का कांटा बहुत ज्यादा है, घाटा लग जाएगा। यासीन जी रख दीजिए, मोहम्मद यासीन जी जैसे शंकर जी रख दिए, आपके लिए भी टर्म और कंडीशन वही है, रख सकते हैं, अगर नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं है, 2100 रुपए चला जाएगा इस मछली के चक्कर में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, और शंकर जी तो अपने अंदाज में बिल्कुल पावर लगा दिए है और गर्दा गर्दा उड़ाने के लिए बैठ चुके हैं, और देखते हैं क्या आज गर्दा गर्दा उड़ा पाते हैं या फिर यासीन जी ही गर्दा गर्दा उड़ा करके इनाम की राशि ले जाते हैं। बहुत बहुत गजब। और दोनों लोग इस समय तंदूरी को अंगूरी बनाने के लिए तंदूरी रोटी बिल्कुल तोड़ लिए हैं, सोच रहे कि बस दाल चावल के साथ, जैसे दाल चावल को हम उड़ाते हैं उसी तरह से तंदूरी रोटी चावल और अंडा करी उड़ाएंगे तभी चैलेंज विन कर पाएंगे। ये ग्रेवी है, डाल दीजिए। बहुत गजब, बिल्कुल सोच रहे हैं पूरी तरह से तंदूरी को एकदम नहला दे रहे हैं, और नहला के एकदम घसड़ घसाई करके चालू कर दिए हैं। और यहाँ पर मोहम्मद यासीन अंडे पर जुटे हुए हैं और पूरी तरह से अंडे का स्वाद लेते हुए, अंडे को अंजाम देते हुए मोहम्मद यासीन भी आगे बढ़ रहे हैं, तो देखना है गजब यार शंकर पूरी तरह से एकदम गर्दा मचा दिए है, और दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए शंकर एकदम आगे बढ़ते जा रहा है, वास्तव में चैलेंजर हो तो शंकर की तरह बिल्कुल गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। पानी डाल दीजिए भैया, पानी भी कम ना होने पाए। हाँ, पानी गिलास में ही डालिएगा, थाली में मत डालिएगा। और यहाँ पर शंकर दोनों हाथों का कमाल करते हुए एकदम मंजिल की ओर भागना चालू करिए, जबकि मोहम्मद यासीन अभी भी तंदूरी को जो घसराम घसराई किए थे उसको एकदम बाइट 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 ले रहे हैं। और ठंडा मिला दीजिए, ठंडा मिला बहुत गजब। और यहाँ पर जो पानी था वो पूरी तरह से गर्मी का एहसास देते हुए शंकर को एकदम पानी डाल दिए। तो ये भाई गड़बड़ बात है। तो यहाँ पर मोहम्मद यासीन अपने आप को पूरी तरह से सतर्कता से चले चले जा रहे हैं। बहुत गजब। और शंकर एकदम पूरी तरह से बाइट पे बाइट मार रहे हैं, और हाई वोल्टेज वाली बाइट इस समय तंदूरी पे चल रही है। शंकर तंदूरी चावल अंडा पूरी तरह से एकदम मिक्स कर लिए हैं। सर्दी है इसलिए गर्म पानी रखा हुआ है, लेकिन ज्यादा गर्म पानी दे दिया शंकर जी को, इस वजह से पानी दे दिया भैया, जल्दी से पानी लाओ जल्दी से। और यहाँ पर पानी आ रहा है, जब तक पानी आता है तब तक इधर मोहम्मद यासीन भी 10 मिनट में जो 400 को बोनस है उसके साथ 2500 को इनाम की राशि हम ही ले जाएंगे। यासीन जी को तो आज गर्दा गर्दा उड़ा करके पीछे कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बोनस वाली पॉइंट जो है एक बार फिर से हम चाहेंगे कि दोहराते चले, क्योंकि 400 रुपए बोनस है, 2100 इनाम है, अगर 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे तो। हाँ, तो देखना है कि बोनस की राशि में कौन पहुंचते हैं, शंकर पहुंचते हैं, मोहम्मद यासीन पहुंचते हैं, दोनों लोग गजब यार। और शंकर पूरी तरह से खड़े हो चुके हैं, एकदम झुक गए हैं, नजारा बहुत गजब का जो समय चल रहा है। आज यासीन जी को पीछे करेंगे तो करेंगे 100%। आज आज आ चुके हैं शंकर पूरी तरह से अपने रौद्र रूप में, और उस रौद्र रूप को दिखाते हुए सीना तान के खड़े हो चुके हैं गजब। और ध्यान दीजिएगा कि साथ में बगल में बैठे हुए हैं पवन, हो सकता है कि एक बाइट उनको न खिला दे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और यासीन जी भी करीब करीब तंदूरी रोटी बटोर लिए हैं, अभी चावल और अंडा पड़ा हुआ है यासीन जी का। और यहाँ पर यासीन अगर जो फुर्ती दिखा रहे हैं, यासीन की भी फुर्ती बहुत अच्छी तरह से है। और यहाँ पर संकट पूरी तरह से अपने आप को न बोल दिए हैं, धनाशाई हो चुके हैं, तीर धनुष रख दिए हैं, अब इस मैदान में आगे बढ़ने वाले नहीं है। 2 मिनट का समय भी बाकी है, अगर 2 मिनट 10 मिनट में अभी भी खा लेंगे तब भी 400 बोनस मिलेगा, नहीं तो अगर बिन करेंगे तो 2100 इनाम की राशि तो मिलेगी। हाँ, तो भैया अभी भी एक 10 मिनट का जो समय है, काफी हद तक का भी समय है, अगर चाहेंगे तो आगे
जा सकते हैं, लेकिन शंकर अपने आप को पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि सिलेंडर कर चुके हैं और सोच रहे हैं कि आगे अब हम मिला नहीं बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा तीखा ज्यादा लग रहा है। नहीं, बहुत ज्यादा हो गया है। मतलब कह रहे हैं ज्यादा हो गया है, इसीलिए घबरा नहीं रहे थे, कह रहे थे उठ जितना मर्जी छलांग मारे, लेकिन पहाड़ के नीचे आएगा तो पता चलेगा। और यहाँ पर मोहम्मद यसीन बहुत ही धैर्य पूर्वक इस चैलेंज को आगे लेकर जाते हुए, और देखते हैं क्या जो बोनस की राशि है यसीन जी ले पाते हैं या फिर इनाम की राशि में ही रह जाते हैं। नहीं नहीं, बोनस की राशि में तो अब मोहम्मद यसीन नहीं जा पाएंगे, जो इनाम की राशि है उसी में रह जाएंगे, क्योंकि बोनस वाला जो टाइम है बहुत हद तक एकदम करीब पहुंच चुका है। और ऐसा लग रहा है कांटा कहीं छुपा हुआ था और वो साइड में निकाल रहे हैं, बहुत बढ़िया निकाल लिए हैं, बहुत गजब। और देखना है कि क्या मोहम्मद यसीन मंजिल पर पहुंचते हैं या बीच से ही मोहम्मद यसीन भी अपने आप को सरेंडर करते हुए इस चैलेंज में पीछे हो जाते हैं। और शंकर जी एक बार तो पावर ऐसी लगाए कि बिल्कुल ऐसा लगा कि अब भैया उड़ गए, बिल्कुल आसमान में पहुंच गए, और आज 2500 इनाम की राशि लेकर ही जाएंगे 100%। लेकिन एंड तक जाते जाते थोड़ा सा इनको लगा कि भैया इतना ज्यादा ओवर है कि खा नहीं पाऊंगा। हाँ, तो और यहाँ पर शंकर ने आपको पीछे रोक दिए, तो शंकर जी आए, हौसला दिखाए, शंकर जी का धन्यवाद करते हैं। और देखते हैं यसीन जी कितने समय में इस चैलेंज को कंप्लीट करके इनाम की राशि ले जाते हैं। और शंकर के जो चेहरा है, जो मुंह की बनावट है, देखते हुए बहुत गजब लग रहा है, कितने तरह का मुंह बनाते हैं, बहुत गजब। और यहाँ पर मोहम्मद यसीन इस समय चावल के मैदान में आ चुके हैं और चावल को दोनों हाथों से सामना मोहम्मद यसीन की चालू कर दिए हैं। सोच रहे हैं कि आज हम शंकर के तर्ज पे ही चलेंगे, और अगर कहते हैं तब दीजिएगा और नहीं तो रहने दीजिएगा। नहीं नहीं, ग्रेवी नहीं चाहिए यसीन। और यहाँ पर मोहम्मद यसीन पूरी तरह से अपने आप को जो धैर्य और साहस से आगे बढ़ा रहे थे, अब जाके जो है कमाल कर दिया है, दोनों हाथों की बाइट नानी सब बाइट ले रहे हैं शंकर के इस जंग में। सोच रहे हैं कि शंकर अगर दोनों हाथों से खाए हैं तो हम भी दोनों हाथों से खा के रिकॉर्ड बनाएंगे। और यहाँ पर दोनों हाथों का कमाल करते हुए वन बाइट वन मारना चालू कर दिए है मोहम्मद यसीन। तो देखते हैं क्या करते हैं, कौन सी पावर लगाते हैं, क्या अब जो है 12 मिनट 2 मिनट प्लस खा पाते हैं या नहीं। और देखते ही देखते जो बोनस वाला समय था पूरी तरह से जा चुका है, अब जीत वाला जो समय है उसी का अनुसरण करते हुए मोहम्मद यसीन मंजिल की ओर जा रहे हैं। अगर 12 मिनट खा लेंगे तब भी इनको 2200 रुपए दे दिया जाएगा। बहुत गजब, अभी भी बोनस थमा हुआ है, बोनस भगा नहीं है, थमा हुआ है। अगर चाहेंगे तो बोनस की जो राशि है उसको ले लेंगे 100 रुपए। और यहाँ पर देखते ही देखते मोहम्मद यसीन अपने आप को एकदम बना लिए हैं पूरी मशीन। हाँ। और सोच रहे हैं भैया अब तो हमको बोनस लेना ही लेना है, देखते हैं बोनस ले पाते हैं या नहीं। और देखते ही देखते लास्ट बाइट चावल की ले रहे हैं मोहम्मद यसीन, और इस बाइट के साथ जो चावल था पूरी तरह से अंजाम की ओर पहुंच चुका है, और बचा है तो अंडा, वो भी पूरी तरह से ठंडा हो गया। और यसीन जी आए, हौसला दिखाया, यसीन जी का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि इनको कैश देते हैं। और इतना इतनी बड़ी मछली, 4 तंदूरी रोटी 4 अंडा करी और चावल कंप्लीट कर लिए हैं, तो यसीन जी का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि इनको कैश देते हैं। शंकर जी भी कंप्लीट कर लेते हैं, हमको लग रहा है कि जब गर्म गर्म पानी पिए तभी से थोड़ा तभी से इनको रुकावट का एहसास होने लगा। फिश फ्राई 1 करी, तंदूरी रोटी, चावल ईटिंग चैलेंज में लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। और चैलेंज में यसीन जी विन कर चुके हैं तो इनको इनाम की राशि कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं शंकर और मोहम्मद यसीन पूरी तरह से एकदम जद्दोजहद करते हुए मंजिल की ओर भागना चालू किए, लेकिन शंकर जो इतना तेजी बढ़ते उस तेजी को एकदम पूरी तरह से पीछे धकेल दिए और अपने आप को धराशायी कर दिए, और इस जंग में मोहम्मद यसीन जीत हासिल कर लिया और इनाम की राशि भी इनके हाथ में पहुंच चुकी है। पैसा पहुंच चुका भैया? हाँ भैया मिल गया है। हाँ तो काउंटिंग कर रहे हैं, तब तक पवन जी क्या कहना चाहेंगे? शंकर जी थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गए जब से गर्म पानी इनको मिला। हाँ। अगर गर्म पानी न मिला होता, नॉर्मल ठंडी का समय है, थोड़ा सा ये रखा गया था कि मतलब गर्म और ठंडा पानी मिला करके सब कम है। चलिए सौ कम है। हाँ हाँ, टाइम के अंदर ही खाए थे, 12 मिनट से पहले खा लिए थे। हाँ। तो यसीन जी आए, हौसला दिखाए, यसीन जी का धन्यवाद करते हैं और बोनस भी इनको 100 रुपए कर देते हैं, क्योंकि यसीन जी हमने सोचा क्या पता भूल गए हो, लेकिन याद था। तो यसीन जी आए, हौसला दिखाए, यसीन जी का धन्यवाद करते हैं। और खाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे भैया दिक्कत ना हो, मगर खाना आज ओवर हो गया सीनो का। फिर भी 12 मिनट के अंदर इतना सारा खाना कोई आसान बात नहीं थी, तो 12 मिनट के अंदर यसीन जी कंप्लीट कर लिए, तो यसीन जी का धन्यवाद करते हैं।
और कैसे बना था? खाना बना ही बना, मस्त बना है। शंकर जी था लेकिन पानी हमको गड़बड़ मिल गया तो इसी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब जो जल गया, एक घूंट पीते ही पूरा जल गया एकदम। तो हम खा नहीं पाए, बहुत स्पीड लगाए थे, इसी बात नहीं थी। तो ध्यान नहीं दिए, जो गर्म पानी था उसमें ठंडा पानी मिक्स नहीं किए और वैसे ही दे दिए, और शंकर जी जल्दी जल्दी पी लिए, इस वजह से डिस्टर्ब हो गए। और देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, क्या जीत पाते हैं नहीं। तो ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और थोड़ा सा गर्म हो गया था इनका, इनको भी थोड़ा सा जो है बोनस दे देते हैं, क्योंकि ठंडा करने के लिए अच्छी किए थे, तो इनको भी 250 रुपए का पुरस्कार कैश दे देते हैं। बहुत गजब, 300 और 250 यहाँ पर 300 250 है, 300 है, चलो 300 ही दे देते हैं, जितना चला गया 300 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब तो गर्म नहीं लग रहा है? नहीं गर्म लग रहा है, अब थोड़ा ठंडा हो गया कि नहीं? लग रहा है लेकिन थोड़ा बहुत तो ठंडा हो जाता है, तो राहत की सांस ले लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।